नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और नजर डालते हैं करनाल की इस खबर पर, जहां विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के चलते आज लघु सचिवालय में लोकदल पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप हुड्डा द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व प्रदीप हुड्डा द्वारा पार्टी की ओर से मार्च निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। नामांकन भरने के उपरांत लोकदल पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप हुड्डा ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए वह मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घमंड तोड़ना है। इस मौके पर उनके साथ लोकदल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करनाल से नामांकन भरने की प्रक्रिया में आज पहला नामांकन भरा गया। जिला प्रशासन की ओर से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस मौके पर SDM नरेंद्र मलिक ने नामांकन की जांच की। नरेंद्र मलिक विधानसभा चुनाव में करनाल के रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर लोकदल पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लघु सचिवालय के बाहर मौजूद रहे। हरियाणा को दोबारा से जोड़ने आए हैं जो इस खट्टर ने घमंड और अहंकार भरा हुआ है, वह पूरे हरियाणा में डर और भय का माहौल उत्पन्न कर रखा है। ये सिर्फ अकेले करनाल की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। किसी को भी ओपनली धमकी दे दी जाती है, कहीं गर्दन काटने की बात करते हैं, कहीं बुजुर्गों का अपमान करते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आज हमें बहुत ही ज़रूरत है। बुजुर्ग कोई फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है। एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो चुका है जो आपातकाल में भी नहीं। आज आप किस पार्टी से बने, क्या नाम है? लोकदल पार्टी से प्रदीप हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह के मुद्दे लेके आप चुनाव में उतरे? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है कि घमंड और अहंकार को तोड़ना है और हरियाणा को दोबारा से जोड़ना है। पिछले 5 साल में जो खट्टर सरकार ने हरियाणा को तोड़ने की जो इतनी बड़ी कवायद की है, आज हरियाणा में जात पात और पता नहीं क्या क्या किसी तरह तोड़ा गया, जो इतने अच्छों से हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन पर होता था, आज वो नीचे से नंबर वन पर कर दिया है। इस हरियाणा प्रदेश को दोबारा से नंबर वन बनाना है, वह इसके घमंड व अहंकार को तोड़ना है और हरियाणा को फिर से नंबर वन बनाते हुए जोड़ना है। किसी के साथ गठबंधन है आपका? नहीं, किसी के साथ अभी गठबंधन नहीं है, लेकिन हमारा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि वो इस खट्टर रूपी अहंकारी से पीछा छुड़ाने के लिए हमारी मदद करें और सभी अपना सहयोग दें, चाहे वो कांग्रेस है, इनेलो है, कोई भी है, किसी कोई भारतीय जनता पार्टी में भी कोई है, लेकिन वो भी हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम हरियाणा को जोड़ना है। 90 सीटों के चुनाव? जी जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।